आज मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी जयंती है। ऐसे में पहले हाजीपुर जाएंगे, आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी मेरे पिता के जयंती समारोह को लेकर हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी एक कार्यक्रम रखा है, पर हम हाजीपुर के कार्यक्रम के बाद दिल्ली जाने के क्रम में अगर संभव हुआ तो मैं जरूर जाऊँगा। दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता से समझौता किया है ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें आने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की वो जिम्मेदारी लें। पर हाँ, जहाँ पर भी लापरवाही हो ये किसी भी दोषी को बचा, जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ने की तो कवायद हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये घटना कम होना ज्यादा बड़ी सरकार की प्राथमिकता है जिस पे सरकार काम कर रही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंच चुके हैं और जब पटना पहुंचे तो पत्रकारों के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका और सरकार क्या कर रही है इस पूरे मामले पे। सबसे पहले चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस वीडियो पे नजर डालिए। बधाई, उनको शुभकामनाएं। जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता से समझौता किया है ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्मान समारोह है एनडीए का और आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, आज मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी जयंती है, ऐसे में पहले हाजीपुर जाएंगे, आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी मेरे पिता के जयंती समारोह को लेकर हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी एक कार्यक्रम रखा है, पर हम हाजीपुर के कार्यक्रम के बाद दिल्ली जाने के क्रम में अगर संभव हुआ तो मैं जरूर जाऊँगा। हाथरस के कांड को लेकर क्या कहेंगे? बाबा के ऊपर FIR नहीं किया गया, आखिर दोषी कौन है? जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें आने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की वो जिम्मेदारी लें। पर हाँ, जहाँ पर भी लापरवाही हो ये किसी भी दोषी को बचा। आप अपराधी घटनाओं पर बिहार में अपराधी घटनाओं बढ़ी है, तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बंद कीजिए। मेरे मुख्यमंत्री के भी संपर्क में हूँ, जिला प्रशासन के भी हम लोग संपर्क में हैं। जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ने की तो कवायद हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये घटना कम होना ज्यादा बड़ी सरकार की प्राथमिकता है जिस पे सरकार काम कर रही है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने हैं, बिहार के विशेष राज्य को लेकर क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, जो बदलावों की जरूरत है प्रावधानों में ताकि बिहार को विशेष राज्य सरकार। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया कि हर चीज की जांच होगी, क्यों आखिरकार पुल गिर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है और जो भी संलिप्त होगा वो बचेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने आपराधिक घटनाओं पर ये कहा कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं बिहार में, जिसने गुनाह किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस बार एनडीए की सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और हमारी सरकार में कोई भी आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी। पुल पुलिये पे उन्होंने यही कहा है कि जब बिहार में मॉनसून एक्टिव हो चुका है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण पुल की मरम्मत बहुत ज़रूरी थी, आखिरकार क्यों मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण आज ये दिन आया है कि पुल टूटते ही जा रहा है और अगल बगल के गाँव से संपर्क भी टूट रहा है। अब चिराग पासवान का ये बयान बिहार की राजनीति में कैसे खलबली मचाता है ये देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।